अपना नहीं बनाते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आज के एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे पागल लड़की और अजीत की आत्मा दिखाई देती थी, और आज हम लोग बहुत ही पहले से वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके, क्योंकि अब लोग बताते हैं कि वो जो वहाँ पे समर था, समर पे नहीं, कहीं ना कहीं रास्ते में ही वो चीज़ें दिख जाती हैं। अगर वो चीज़ें नहीं दिखेंगे तो समर तक हम लोग जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें अब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई, मतलब पहले कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। आज के टाइम पे वो दोनों आत्माएं यहाँ पे कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं, और कई लोग यहाँ पे आए और उनको दिखी वो चीज़ें। तो आज हम लोग फिर से आए, देखते हैं क्या यार होता है हम लोगों के साथ। तो प्लीज़ हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, शेयर करना है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा और चलूँगा आगे की ओर। और स्टोरी आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था, क्यों पागल हुई थी। पागल इसलिए हुई थी क्योंकि गांव में उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, वो चला गया था बाहर काम करने के लिए, उसको लगा था वो किसी लड़की को भगा के ले गया अपने साथ, और वो डिप्रेशन में चली गई और पागल हो गई, और यहाँ पर आके अपना सर पटक पटक के पेड़ में जान दे दिया। और उसके बाद अजीत यहाँ पे आया, उसको भी मार दिया था। आज के टाइम पे वो दोनों यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्लीज भाई, आप लोग कहीं पर भी मत जाना, अच्छा चले अमित भाई। चलो भाई, आप लोग देख लो कितना ज्यादा यहाँ पे जंगल पड़ता है, और इन जंगलों के बीच में से गुजरना पड़ता है, तब जाके उस लोकेशन पे हम लोग पहुंच पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कहीं पर भी मत जाना, पूरा वीडियो देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल के साथ। आप लोग देख सकते हो इस लोकेशन की कंडीशन किस प्रकार की है, किस प्रकार की रोडें हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे तब वीडियो बनाते थे, इसीलिए आज पहले से बनाया था कि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये जो रोडें हैं कितना ज़्यादा यहाँ की ख़राब हैं। बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे रुपया निकल नहीं पाते, फिर भी आप लोगों के लिए आते थे, वीडियो बनाते थे, लेकिन आज वो चीज़ें फिर से एक्टिव हो गई, इसीलिए दोबारा आना पड़ रहा है। आप लोग बोलोगे भाई बार बार एक ही लोकेशन पर वीडियो बनाते हो, लेकिन नहीं भैया, जब चीज़ें दिखती हैं तो वीडियो बनाना पड़ता है, वरना हम लोग वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमारे हिसाब से ये हमारे हिसाब के लोग हैं। ये हम चार लोग आए थे और ये यहाँ पे इसलिए रुके हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि उनको यहाँ पे रोका था, क्योंकि आप लोगों से ये लोकेशन दिखा सकूँ, बाहर की लोकेशन देखा कि कुछ किस प्रकार है, और यहाँ से आने में कैसे कहीं जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि वही सेम लोकेशन पे हम पहुँच ही चुके हैं, सुना भाई? बिल्कुल वही लोकेशन भाई। तो अब आगे बढ़ते वैसे ही लेकिन सब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन आज हम लोगों ने वहाँ से वीडियो बनाया था कि आप लोगों को दिखा सकते। तो चलते हैं आगे की ओर और आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे कौन सी घटना होती है, क्यों यहाँ पे वो लोग परेशान करते हैं हम लोगों को। कुछ दिन तक तो जो एक पेड़ लगा हुआ इतना भयानक पेड़ था, उससे वो दोनों दिखाई देते थे, लेकिन भाई जस्ट हम लोग लोकेशन पे ही पहुंच गए हैं, और आप लोग तो जो लोग पुराने हैं भाई पहचान तो गए होंगे हम लोग कौन से लोकेशन पे हैं। और आज भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी लोगों को देख लेना भाई, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं, सेफ्टी ज़रूरी होती है, वरना अगर हम लोग सेफ्टी ना लाएं तो हम लोग भी
यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को लगता होगा ये नहीं कुछ है, लेकिन हम लोग आते हैं और हाथ में पहन लेते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा रात में ऐसे वीडियो शूट करते हैं। और आप लोग भी चैनल पे, आवाज को सुन, कौन है, कौन है, अजीब सी आवाज है भाई। भाई संभल के जाना, अंदर से आवाज आ रही क्या? कोई था क्या पीछे का? पीछे कौन है? कौन है? यही वो पेड़ है जहाँ पे उसने सिर पटक के जान दी थी, और लड़के की जो मतलब अजीत था उसकी लाश भी यहीं पे मिली थी। तो अमित, रुक रुक, अरे हाय यार अमित भाई को, ये हाय हाय हाय, वो लड़की है, लड़की वो दिख रही, हाँ दिख रही है, दिख रही, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है यार। देखो बता दो आखिर तुम लोगों को क्या चाहते हो, क्या मकसद है तुम्हारा? लोगों को बार बार क्यों यहाँ पे परेशान करते हो? पिछली बार तुमको बोला गया था यहाँ पे मत रुको, गलती कर दी थी तुमको आजाद करा के, लेकिन वो कैद ही रखना चाहिए। तांत्रिक बाबा को लेकर कैद कराए थे कुछ दिन के लिए, आप लोग नहीं देखा तो वीडियो पर जाके देख सकते हो चैनल पे, मैंने यहाँ का इनको कैद कराया था, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। पीछे आया, पीछे, क्योंकि ज्यादा पास जाना सही नहीं, और आगे कुछ दूर चलने के बाद शमशान घाट पड़ता है। शायद आप लोगों को कभी वहाँ पे नहीं लेके जा पाया हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे दिन में आए और दिन में वीडियो शूट करें तो शायद वो लोकेशन तक आप लोगों को दिखा सकूँ। तो क्या चाहते हो तुम लोग, बताओगे कुछ? अरे वो, अरे भाई, अरे अमित भाई, ये देखो देखो, हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर कहीं और चले जाओगे तो हम लोग नहीं लाएंगे, नहीं तो किसी तांत्रिक बाबा को लेके आएंगे और तुमको कैद करा देंगे फिर से। हमें पता तुम लोग ऐसा नहीं मानने वाले हो भाई, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जितना ये आजाद रहेंगे सबके लिए खतरा रहेगा। क्या किया जाए यार, मुझे बताओ, कोशिश करते हैं यार इनसे कुछ और पूछने की, अगर जो लोग यहाँ से कहीं चले जाएं। भाई गाबले पकड़ पकड़ पकड़, कहाँ गए तुम लोग? ओ भाई ये क्या है? हाँ भाई, ठंडे में यार, ये देखो अभी भी। Please like and subscribe Horror in channel. Please like and subscribe Horror in channel. Is
उसके पीछे क्या था भाई? भाई संभल के यार। पीछे है तुम्हारी वो चीज। संभल के भाई, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा ही लोग खतरनाक इस बार। एक बार चलें इसके पीछे क्या यार, बार बार लोग जाते हैं। शमशान घाट की ओर जा रहे हैं ना, चलें एक बार। चल चल तू आगे जा, पीछे देखो क्या राज है, तुम लोग बताना चाहोगे हमसे? ये शमशान घाट की ओर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चला गया, निकला यार। क्या बता रहे हो, क्या चाहते हो? अरे ओए चल अमित भाई, देखो अगर जो तुम चाहते हो कि यहाँ से तुम लोग सुरक्षित चले जाओ यहाँ से, तो कोई बात नहीं है। रुकोगे तो तांत्रिक वालों को लेके आएंगे अगली बार, फिर कहाँ देंगे बेटा? ठीक है, पीछे यार, निकल 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 निकल। ये देखो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसे। आज हम दो ही लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी दो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो लोग बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, तुम ही लोग जाओ, इसीलिए हम दो लोग ज्यादा। अगर साथ में आते अगर साथ में वो मतलब आते तो हम लोग काफी ज्यादा देर यहाँ पे रुकते, पास भी जाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे अभी दो ही लोग हैं इसलिए हम लोग आगे तक नहीं जा पा रहे हैं, ना ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित भाई जाओ एक बार, जाओ जाओ अमित भाई एक बार, आराम से जाना। पास मत जा, पास मत जा, पास मत जा यार। अरे यार निकल निकल एकदम पीछे आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा यार कितने ज्यादा मतलब इन लोग हरकतें कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से मजबूरन में यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि दो ही लोग हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो भी कुछ किया आप लोगों के लिए किया। दोस्तों यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया यार भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फॉलो करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम। चलो।